दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थमा। अंतिम दौर में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी। 8 फरवरी को होगी वोटिंग। लोकसभा में धन्यवाद भाषण के दौरान देश के पहले पीएम पंडित नेहरू पर पीएम मोदी का हमला। कहा, पीएम बनने के लिए देश पर एक लकीर खींच दी गई। कांग्रेस ने कहा, पीएम मोदी का इतिहास ज्ञान अधूरा। कश्मीर घाटी में 6 महीने से इंटरनेट की बंदी पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, इंटरनेट मौलिक अधिकार नहीं, देश की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण। निर्भया गैंगरेप और हत्या केस में नए सिरे से डेथ वारंट जारी करने की मांग से जुड़ी याचिका पर अदालत में सुनवाई। 4 दोषियों से कल तक जवाब मांगा। बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को 5 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली। नागरिकता कानून के खिलाफ धरना दे रहे 19 प्रदर्शनकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव बोले, पुलिस ने बर्बरता की सभी हदें पार की। नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में औरतों का धरना 54वें दिन भी जारी। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 8 फरवरी के बाद शाहीन बाग में जलियांवाला बाग दोहराए जाने की आशंका। और कोरोना वायरस को लेकर भारत ने सतर्कता बढ़ाई। चीन में रह रहे तमाम देशों के नागरिकों की भारत में एंट्री पर बैन। चीनी नागरिकों का वीजा भी सस्पेंड। ऑटो एक्सपो में पहुंचने वाले चीनी डेलीगेशन की यात्रा भी रद्द।